हेलो एवरीवन, आई एम गीतांशी आदित्य और आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं सेमेस्टर टू का चैप्टर नंबर वन, जो कि है फिश इज फिश, मतलब मछली आखिर मछली ही होती है। ठीक है, तो चलो अपनी अपनी बुक्स के साथ रेडी हो जाओ क्योंकि अब हम इसे रीड करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले आ जाते हैं टेक ऑफ पे। ठीक है, आप सभी अपने अपने बुक्स ओपन करें और उस पे सबसे पहले टेक ऑफ पे आ जाएं, सेमेस्टर टू की बुक्स। ठीक है, फर्स्ट, इज इट पॉसिबल फॉर अस टू चेंज इनटू अनदर एनिमल और पर्सन। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या हमारे लिए ये पॉसिबल है कि हम किसी दूसरे एनिमल या फिर आदमी में चेंज हो जाए। क्या ये पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है कि आप किसी दूसरे जानवर या फिर किसी दूसरे आदमी में चेंज हो जाओ? ऐसा हो सकता है क्या, बताओ, आप ही बताओ। नहीं हो सकता। कभी देखे हो किसी को कि आज आप कोई और हो और कल आप किसी और जानवर में चेंज हो गए? ऐसा हो सकता है? नहीं। इसलिए इसका आंसर होगा नो। सो आप सभी टेक ऑफ के फर्स्ट में डालेंगे नो। पहला आंसर आपका होगा नो, हम किसी दूसरे एनिमल या फिर किसी पर्सन में चेंज नहीं हो सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। अब सेकंड, व्हाट वुड यू वांट टू बिकम इफ यू आर गिवन अ चांस टू चेंज इनटू एन एनिमल। हाँ, अगर आपको कभी कोई चांस मिले कि आप किसी एनिमल में चेंज हो सकते हो तो आप कौन से एनिमल में चेंज होना पसंद करोगे? ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन सोच लो, ऐसा बोल रहे हैं कि अगर आप कभी किसी एनिमल में चेंज होने, कभी आपको कोई मौका मिले कि आप किसी एनिमल में चेंज हो सको तो आप क्या बनना पसंद करोगे? ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आपको कोई बर्ड अच्छी लगती है, जैसे पिकॉक, तो आप पिकॉक लिख लो। कोई एनिमल अच्छा लगता है, लॉयन, टाइगर, एलिफेंट, जिराफ, कितने एनिमल्स हैं, है ना, राइनोसोरस, और क्या होता है, चीता, लेपर्ड, और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं, काऊ और गोट और शीप, हमने बहुत सारे एनिमल्स पढ़े, क्रोकोडाइल। सो आप जिन भी एनिमल में, किसी एक एनिमल का नाम आपको यहाँ पे लिखना है जिसमें आप चेंज होना पसंद करोगे। ठीक है, सो ये सेकेंड वाला आंसर आपको खुद लिखना है, डू इट योरसेल्फ, खुद से आपको लिखना है। जल्दी से लिख लो, आपका जो भी आपका फेवरेट है या जिसमें आपको लगता है कि आप, हाँ ये एनिमल बहुत अच्छा है, उसका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। चलो अब आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड, विच एनिमल्स ब्यूटी, एबिलिटी और कलर डू यू एडमायर। कौन से एनिमल की खूबसूरती, उसकी काबिलियत और उसका कलर आपको सबसे ज्यादा पसंद है? आपको उस एनिमल का नाम लिखना है। ठीक है, कौन सा एनिमल आपको सबसे ज्यादा पसंद है, तो कौन सा एनिमल आपको बहुत खूबसूरत भी लगता है, उसका कलर भी अच्छा लगता है और उसकी एबिलिटी, काबिलियत भी बहुत अच्छी लगती है। जैसे अगर आपको क्रोकोडाइल अच्छा लगता है तो आप क्रोकोडाइल लिख सकते हो, अगर आपको लॉयन अच्छा लगता है तो वो लिखो, टाइगर अच्छा लगता है तो वो लिखो, पिकॉक हो सकता है, और भी बहुत जितने एनिमल्स हैं, मंकी, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, चिंपैंजी, जिराफ, जो अच्छा लगे आपको इसका नाम यहाँ पे लिखना है, आपका फेवरेट एनिमल। सो ये भी आपको खुद से लिखना है, डू इट योरसेल्फ। फोर्थ, फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, चलो देखते हैं जल्दी से। फोर्थ है, गॉड हैज क्रिएटेड ऑल द एनिमल्स इन दिस वर्ल्ड फॉर अ रीजन, डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट। भगवान ने दुनिया में जितने भी क्रीचर्स बनाए हैं, चाहे जानवर हो, पशु पक्षी हो, चाहे हम हो, उनको किसी मकसद से बनाया है, किसी कारण से बनाया है, क्या आप इस बात को मानते हो? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दुनिया में जितने भी क्रीचर्स है, ठीक है, जीव जंतु हैं, उनको किसी ना किसी कारण से इस धरती पे भगवान ने बनाया है, क्या आप इसे मानते हो? ये आपसे पूछा गया है। तो यस या नो में आपको इसका आंसर करना है। तो मेरे हिसाब से तो हाँ, बिल्कुल। जैसे देखो, प्लांट्स को बनाया गया है ताकि वो क्या करे, तो रेनफॉल लेकर आए, ठीक है, और क्या बोलना चाहिए,
जानवरों का पेट भरे, ठीक है। जानवर जो है पेड़ पौधे को खाते हैं ना, हम भी खाते हैं, जब खेती करते हैं अनाज मिलता है उससे, हम भी प्लांट्स को खाते हैं। कुछ जो लोग होते हैं वो लोग एनिमल्स भी खाते हैं, ठीक है। जैसे आपका बहुत सारे लोग होते हैं जो कि क्या बोलना चाहिए, एग खाते हैं और चिकन खाते हैं, मीट खाते हैं। तो ये सारी चीजें लोगों के किसी ना किसी का तरीके से तो काम आ रही है ना। वैसे ही जैसे क्या बोलना चाहिए, अर्थ वॉर्म्स, केचुए, आप जानते हो केचुए जो है वो, उनको जो है ना फार्मर का दोस्त कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो लोग ना जब मिट्टी के अंदर बार बार इधर से उधर जाते हैं ना, तो मिट्टी में ना बहुत ज्यादा एयर आने के लिए जगह बनती है, जिससे कि जो फसल है, जो आपका पूरा क्या बोलना चाहिए, जो आपका खाना जो है, पूरे जो धान वगैरह उगते हैं वो और अच्छे से उगते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके सारे जो जानवर हैं, सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप ईवीएस में, साइंस में से और अच्छे से पढ़ोगे, फूड चेन जो होता है उससे आप बहुत अच्छे से साइंस में पढ़ोगे, ईवीएस में। तो एक तरीके से सभी जो जीव जंतु हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं। इसलिए हाँ, भगवान ने जितने भी जीव जंतु इस दुनिया में बनाए हैं वो किसी मकसद से, किसी कारण से बनाए हैं। तो चलो, इसका आंसर होगा यस। तो आप यहाँ पे लिखेंगे यस। अब हमने टेक ऑफ तो पढ़ लिया, तो चलो आ जाते हैं इस चैप्टर पे। चैप्टर में रीड करना शुरू करती हूँ और मैं आपको साथ साथ समझाते चलूंगी। नरेटर वन, एट द एज ऑफ द वर्ड्स देयर वॉज अ पॉन्ड एंड देयर वॉज अ मिनो एंड अ टैडपोल स्वैम अमोंग द वीड्स। दे वर इनसेपरेबल फ्रेंड्स। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि कोई एक स्टोरी बताने वाला है, नरेटर मतलब है स्टोरी को बताने वाला। वो कहता है कि मतलब ना, वुड्स के किनारे मतलब जंगल के किनारे एक तालाब था, ठीक है। हमने पिछले चैप्टर नंबर 6 में, 5 में पढ़ा था ना, कंट्री चाइल्ड एंड टाउन चाइल्ड में, कि वुड्स का मतलब होता है जंगल, फॉरेस्ट। तो एट द एज ऑफ द वुड्स देयर वॉज अ पॉन्ड, मतलब जंगल के किनारे एक पॉन्ड था, एक तालाब था। एंड देयर अ मिनो एंड अ टैडपोल स्वैम अमोंग द वीड्स। हाँ, और वहां पे ना एक मिनो और एक टैडपोल जो है वो वीड्स के साथ तैरते थे, वीड्स के आसपास। वीड्स होते हैं ऐसे प्लांट्स, बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो कि ना अपने आप उग जाते हैं, मतलब कोई उन्हें उगाता नहीं है, लेकिन वो छोटी छोटी घास के रूप में पूरे पॉन्ड के आसपास उगे रहते हैं, तो उन्हें ही हम वीड्स कहते हैं। मिनो, मिनो जो है ना वो स्मॉल फिश होती है, ठीक है। जब फिश जो है पूरी बड़ी नहीं होती, उससे पहले वो एक छोटी फिश होती है, तो छोटी फिश को जो बेबी फिश होती है, छोटी सी फिश, उसे ही मिनो कहा जाता है, ठीक है। जो छोटी फिश होती है उसे हम मिनो कहते हैं। और वैसे ही टैडपोल, द यंग फॉर्म ऑफ अ फ्रॉग, अ स्मॉल क्रीचर विथ अ लार्ज हेड एंड अ स्मॉल टेल दैट लिव्स इन वाटर। टैडपोल जो है ना वो फ्रॉग का छोटा रूप होता है। फ्रॉग जो है, मेंढक जो है, वो मेंढक बनने से पहले एक टैडपोल रहता है। जैसे फिश जो है पूरी बड़ी सी फिश बनने से पहले एक मिनो रहती है छोटी सी, वैसे ही फ्रॉग जो है पूरा बड़ा फ्रॉग बनने से पहले एक छोटा सा टैडपोल रहता है। टैडपोल का ना बड़ा सा मुंह रहता है, ठीक है, बड़ा सा उसका मुंह रहता है और लंबी सी उसकी पूंछ रहती है, ठीक है। बड़ा सा मुंह और लंबी सी पूंछ जो कि पानी में रहता है। फ्रॉग जो है आपको जमीन पे दिखता होगा आसपास, लेकिन जब वो टैडपोल रहता है तो वो पानी में रहता है, ठीक है। तो एक बार की बात है, एक पॉन्ड में जो कि फॉरेस्ट के किनारे था, जंगल के किनारे था, वहां एक फिश मतलब मिनो, छोटी फिश, और एक टैडपोल साथ साथ में घास के बगल में, घास के आसपास तैरते रहते थे। दे वर इनसेपरेबल फ्रेंड्स। वो एकदम ना ऐसे एकदम पक्के दोस्त थे, मतलब उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता था, वो लोग इतने अच्छे दोस्त थे। वन मॉर्निंग द टैडपोल डिस्कवर्ड दैट ड्यूरिंग द नाइट ही हैड ग्रोन टू लिटिल लेग्स। एक सुबह जब ना टैडपोल सुबह सुबह उठा, तो उसने क्या पाया कि उसकी ना छोटे छोटे दो पैर उग गए, ठीक है। टैडपोल को ये पता चला कि अब उसके छोटे छोटे दो पैर उग गए हैं। रात से सुबह तक में उसके दो छोटे छोटे पैर उग गए हैं। फ्रॉग विथ एक्साइटमेंट, लुक लुक आई एम अ फ्रॉग।
अब फ्रॉग जो है बहुत ही खुश होके, एकदम उत्सुक होके, एक्साइटमेंट के साथ जाके बताता है, देखो देखो अब मैं एक फ्रॉग बन गया हूँ, ऐसे बोलता है वो टैडपोल। तो फिश बोलती है, नॉनसेंस, हाउ कुड यू बी अ फ्रॉग इफ ओनली लास्ट नाइट यू वर अ लिटिल फिश जस्ट लाइक मी। तो फिश बोलती है, क्या बकवास बात कर रहे हो, तुम कैसे एक फ्रॉग बन सकते हो जबकि कल रात तक तुम एक छोटे से फिश थे मेरी तरह, ऐसे बोलती है। तो फ्रॉग बोलता है, वेल फ्रॉग इज फ्रॉग एंड फिश इज फिश, दैट्स दैट। तो फ्रॉग बोलता है कि देखो जो एक फ्रॉग होता है वो फ्रॉग होता है और एक फिश जो होती है वो फिश ही होती है, यही सही बात है, ऐसा बोलता है उसको। अब नरेटर क्या बताता है फिर से, अब देखो कहानी बताने वाला क्या बोल रहा है। इन द वीक्स दैट फॉलोड द टैडपोल ग्रू टाइनी फ्रंट लेग्स एंड हिज टेल गॉट स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड देन वन फाइन डे ही बिकेम अ फ्रॉग एंड क्लाइम्ड आउट ऑफ द ऑन टू द ग्रासी बैंक। अब जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए ना, मतलब आगे हफ्ते बीतते गए, तो ना वो जो टैडपोल था उसके सामने के भी दो छोटे छोटे हाथ आ गए, ठीक है, लेग्स, उसके चार लेग्स होते हैं। तो पहले देखो वो कैसा दिखता है, वो कुछ इस टाइप का दिखता, ये इतनी बड़ी उसकी पूंछ होती है, ये है एक, इसके दो से छोटे छोटे आंख होते हैं, ये है एक टैडपोल, बड़ा सा मुंह रहता है इसका। अब पहले ये टैडपोल था, बाद में क्या हुआ, एक सुबह जब वो उठा तो इसके ना इतने मुंह के साथ दो छोटे छोटे पैर निकल आए, ठीक है। और उसके बाद फिर उसके जैसे जैसे हफ्ते गुजरते गए ना, तो उसकी जो टेल थी वो छोटी होती गई धीरे धीरे, और उसके दो पीछे के पैर के साथ दो सामने के पैर भी आ गए, ठीक है। फ्रॉग का आप जानते हो ना, चार पैर होते हैं, तो पूंछ जो है उसकी छोटी होती गई और फिर उसके चार पैर आ गए। फिर एक दिन क्या हुआ, वो पूरी तरीके से उसकी पूंछ गायब हो गई, ठीक है, और अब उसके वो पूरी तरीके से एक फ्रॉग में कन्वर्ट हो गया, जिसके दो ऐसे चार ऐसे पैर थे और अब वो एक फ्रॉग बन गया था। समझे, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है बट आप लोग समझ जाओगे। तो पहले वो ऐसा था, फिर वो ऐसा बना, फिर वो ऐसे हो गया और उसके बाद लास्ट में वो एक फ्रॉग बन गया। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि कैसे, और वो जैसे ही फ्रॉग बना फिर वो पानी से बाहर निकल आया, ठीक है, पानी से बाहर निकल आया। अब उसके देखो दो सामने पैर हैं, दो पीछे पैर हैं, और वो पानी से निकल आया और वो ग्रासी बैंक पे आ गया, मतलब वो जो घास वाला नदी का किनारा था वहां, सॉरी तालाब का किनारा था, वहां पे पहुंच गया, ठीक है, पानी से निकल के वो घास वाले नदी के किनारे में ग्रासी बैंक में पहुंच गया। फिर नरेटर फिर से क्या बोलता है, द मिनो टू हैड ग्रोन एंड बिकम अ फुल ग्रोन फिश ही ऑफन वंडर्ड वेयर हिज फोर फुटेड फ्रेंड हैड गॉन। अब देखो ये जो मिनो थी ना, वो छोटी सी जो फिश थी, अब वो भी एक बड़ी सी फिश में बन चुकी थी, धीरे धीरे टाइम बीतते गया तो अब वो छोटी सी थी, उसके बाद फिर सब बड़े होते गए, पहले आप भी एकदम छोटे से थे, अब आप धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हो ना, वैसे ही फिश भी पहले छोटी सी थी और अब वो बड़ी हो गई। लेकिन वो ना अपने दोस्त के बारे में बार बार सोचती थी, वो ये सोचती थी कि उसका चार पैर वाला दोस्त चला कहाँ गया आखिर, क्योंकि अब तो वो पानी में नहीं रहता, तो वो पानी से बाहर आ गया और वो चला गया कहीं पे। फिर फिश बोलती है, आई वंडर वेयर माई फोर फुटेड फ्रेंड वेंट, बोलती है अब मैं सोचती हूँ, मुझे एकदम सोच में हूँ कि कहाँ मेरा चार पैरों वाला दोस्त चला गया है। आई एम सो लोनली डाउन हेयर इन द पॉन्ड ऑल बाई माई सेल्फ, मैं यहाँ पे अकेले, सिर्फ मैं ही यहाँ पे पॉन्ड हूँ, इसलिए मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, वो ऐसा सोचती है क्योंकि वो इसका एकदम सबसे अच्छा दोस्त था। फिर वाई डिड ही लीव मी, वो क्यों मुझे छोड़कर चला गया, वॉट सो गुड अबाउट बींग आउट ऑफ द पॉन्ड एनी वे, फिर वो सोचती है वैसे भी पॉन्ड से बाहर रहना क्या इतना अच्छा है, ऐसे सोचती है, वो कभी पॉन्ड के बाहर गई नहीं थी, तालाब के बाहर गई नहीं थी, तो वैसे ही सोचती है कि पॉन्ड से बाहर रहना क्या अच्छा है, ऐसे सोचने लगती है। फिर इट्स बिन डेज एंड वीक्स एंड माई फ्रेंड हैज स्टिल नॉट रिटर्न, अब तो दिन हो चुके हैं और हफ्ते भी हो चुके हैं लेकिन मेरा दोस्त अभी तक वापस नहीं आया है, वेयर कुड ही पॉसिबली बी, आखिर वो कहाँ हो सकता है, ऐसा वो सोचने लगती है, कितने दिन हो गए वो आया ही नहीं है, वो हो कहाँ सकता है, ऐसे करके वो सोचने लगती है। फिर नरेटर टू, देन वन डे विथ अ हैप्पी स्प्लैश दैट शूक द वेव्स फ्रॉग जंप्ड ऑन इनटू द पॉन्ड। अब फिर एक दिन क्या हुआ,
एकदम खुशी के साथ छपाक से, जैसे पानी में कोई चीज ऐसे गिरती है तो एक छपाक वाला साउंड आता है ना, देखियो पानी में आप किसी चीज को फेंकोगे तो एक साउंड आता है, तो वो जो नदी सॉरी क्या बोलते हैं पॉन्ड के किनारे, तालाब के किनारे में जो घास उगी हुई थी ना, वहां से अचानक से कोई चीज ऐसे कूदती है एकदम खुशी खुशी, और पानी में छपाक वाला साउंड आता है, और वो फिश देखती है तो क्या था उसका फ्रॉग फ्रेंड, तो वो फ्रॉग जो है वापस आ जाता है और पॉन्ड में कूदता है। फिर देखो क्या आता है, फिश बोलती है वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थे, वो ऐसा पूछती है उससे। ठीक है, अब चलो आगे पढ़ने से पहले सबसे पहले ये वाले पेज का हम ग्लॉसरी को अच्छे से ध्यान लेते हैं। तो देखो पहला है वुड्स, फॉरेस्ट, वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट, जंगल, मैंने बताया था। फिर मिनो, अ वेरी स्मॉल फ्रेश वाटर फिश, मिनो का मतलब होता है एक बहुत ही छोटी सी फ्रेश वाटर फिश, मतलब जो कि ना मीठे पानी में रहती है, जैसे समुद्र का पानी जो होता है वो खारा होता है, सॉल्टी होता है, फ्रेश वाटर फिश मतलब जो पानी ना अच्छा पानी होता है, जो नमकीन नहीं होता, मतलब लोग इसे पी भी सकते हैं, वो फ्रेश वाटर होता है। फिर टेडपोल, द यंग फॉर्म ऑफ अ फ्रॉग, अ स्मॉल क्रिएचर विथ अ लार्ज हेड एंड अ स्मॉल टेल दैट लिव्स इन वाटर। तो टैडपोल क्या होता है, एक ऐसा यंग फॉर्म ऑफ फ्रॉग, मतलब फ्रॉग का यंग यंग वाला रूप, जो बहुत ही छोटा होता है, ऐसा वाला फ्रॉग का रूप होता है, जिसका छोटा सा क्रीचर होता है वो, जिसका हेड बहुत बड़ा होता है और लंबी सी पूंछ होती है, और जो कि पानी में रहता है। फिर इनसेपरेबल ऑलवेज टुगेदर, मतलब जो हमेशा साथ साथ रहते हैं, जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता, इनसेपरेबल। डिस्कवर फाइंड आउट, डिस्कवर मतलब पता चलना होता है, फाइंड आउट, ठीक है, कोई चीज आपको पता चलती है तो वो फाइंड आउट, डिस्कवर। फिर देखो यहाँ के ब्राउन बॉक्स में आओ, ये आपको ब्राउन बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द टैडपॉल चेंज इनटू, वो जो टैडपॉल था वो किस में बदल गया, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वो टैडपोल किस में बदल गया, पहला है फ्रॉग, दूसरा है बटरफ्लाई, तो क्या में बदला था वो टैडपोल, फ्रॉग में बदला था, है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉग। तो आप सभी अपने अपने पेंसिल्स अपने हाथ में रखें, ठीक है, ब्राउन बॉक्स का जो पहला वाला है उसमें आप भरेंगे, टिक भी कर लो फ्रॉग के ऊपर और साथ में लिख भी लो FROG फ्रॉग। सेकेंड देखो क्या है, वेयर डिड द टैडपॉल गो आफ्टर ही बिकेम अ फ्रॉग, वो टैडपॉल कहाँ गया फ्रॉग बनने के बाद, मेंढक बनने के बाद वो टैडपॉल कहाँ चला गया, ग्रासी बैंक में या पॉन्ड में, मतलब वो घास वाले किनारे पे, पॉन्ड के किनारे पे या फिर पॉन्ड में, तो मैं बताई थी ना जैसे ही वो फ्रॉग बना वो तुरंत निकल के आ गया पॉन्ड से बाहर, कहाँ, ग्रासी बैंक में, मतलब जहां पे घास उगी हुई है वैसे किनारे पे, तो ग्रासी बैंक। अब देखो यहाँ पे भी एक ग्लॉसरी है, बैंक द साइड ऑफ अ रिवर, मतलब रिवर का किनारे को, रिवर का जो किनारा होता है ना, रिवर के आसपास आप खड़े हो सकते हो ना, तो जहां आप खड़े रहते हो वही रिवर बैंक कहलाता है, यहाँ पे पॉन्ड था तो वो पॉन्ड के बैंक का मतलब है। फिर एंटोनिम्स, यहाँ पे दो एंटोनिम्स दिए गए हैं, टाइनी मतलब छोटा, ह्यूज मतलब बड़ा, टाइनी ह्यूज, फिर स्मॉलर मतलब छोटा, तो बिगर मतलब बड़ा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पिंक बॉक्स है, ठीक है, दिख रहा है पिंक बॉक्स, यहाँ पे ध्यान दो, डिड यू नो दैट फ्रॉग्स लिव ऑन एवरी कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट अंटार्कटिका, फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस मीनिंग दैट दे लिव पार्ट ऑफ देयर लाइफ इन वाटर एंड पार्ट ऑन लैंड। क्या आपको पता है, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि क्या आपको पता है फ्रॉग जो है हर कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, सिर्फ कौन से कॉन्टिनेंट में नहीं पाया जाता, एंटार्क्टिका में, फ्रॉग जो है एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट में नहीं पाया जाता, उसके छोड़ सारे कॉन्टिनेंट में फ्रॉग होते हैं। फिर फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस, फ्रॉग्स जो है वो एम्फीबियंस होते हैं, क्या होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस उन्हें कहा जाता है जो कि पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं,
ठीक है। फ्रॉग्स पानी में भी रह सकते हैं, लैंड पे भी रह सकते हैं। तो देखो, जब वो छोटे होते हैं वो पहले पानी में रहते हैं, फिर जब वो टैडपोल रहते हैं तो पानी में रहते हैं, फिर जैसे ही उनके चार पैर हो जाते हैं, और क्या बोलना चाहिए, वो चार पैर हो जाते हैं, पूरी तरीके से फ्रॉग बन जाते हैं, तब वो लैंड पे रहने लगते हैं। लेकिन अगर उन्हें पानी में भी आसपास रहेंगे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो वो एम्फीबियंस होते हैं, वो अपनी लाइफ का आधा पार्ट पानी में गुजारते हैं और आधा लैंड पे गुजारते हैं, ठीक है। अब चलो पेज पलटो। अब फ्रॉग क्या बोलता है, विथ एक्साइटमेंट, आई हैव बीन अराउंड द वर्ल्ड हॉपिंग हियर एंड देयर एंड आई हैव सीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स। तो फ्रॉग, अब वो पहले पूछती है ना फिश कि तुम कहाँ चले गए थे, तो फ्रॉग बहुत ही उत्सुकता से फिर से बताता है कि मैं पूरी दुनिया घूम रहा था, मैं इधर से उधर उछल रहा था, जैसे हॉप करता है ना वो, ऐसे कूदता है, तो बताता है मैं ऐसी कूद रहा था और मैं पूरी दुनिया घूमा, और मैंने बहुत सारी ना अमेजिंग, एकदम खुश करने वाली, बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें, एकदम मस्त वाली चीजें मैंने देखी, ऐसा वो बताया, ठीक है। तो देखो फिश पूछती है विद जेलेसी, अब ना फिश को थोड़ी जलन होने लगती है कि वो ऐसा क्या देख लिया। वो बोलती है लाइक व्हाट, तो तुमने ऐसा क्या देख लिया, ऐसे करके फिश पूछती है। तो फ्रॉग बोलता है बर्ड्स, आई हैव सीन बर्ड्स। वो बोलते हैं मैंने चिड़िया देखी, मैंने बहुत सारी चिड़िया देखी, दे हैव विंग्स एंड कैन फ्लाई अबाउट, उनके पंख होते हैं और वो इधर से उधर फ्लाई करते हैं, मतलब क्या बोलना चाहिए, उड़ते रहते हैं, ठीक है। फिर बर्ड्स हैव टू लेग्स एंड हैव मैनी मैनी ब्यूटिफुल कलर्स ऑन देयर फीडर फेदर्स। बर्ड्स के दो पैर होते हैं, वो बताता है कि बर्ड्स के विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, उनके दो पैर होते हैं, और उनके जो पंख होते हैं ना उसमें बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे कलर्स होते हैं, ठीक है, और वो इधर से उधर उड़ते रहते हैं। फिर नरेटर वन, एज फ्रॉग टॉक्ड हिज फ्रेंड फिश सॉ द बर्ड्स फ्लाई थ्रू हिज माइंड लाइक लार्ज फेदर्ड फिश। अब जैसे जैसे ना फ्रॉग उसको बताने लगता है, मेंढक उसको बताने लगता है कि उसने क्या क्या देखा, तो वो अपने मन में इमेजिन करने लगती है, सोचने लगती है, तो उसे क्या दिखता है कि बड़ी बड़ी फिश जो है वो पंखों वाली और वो उड़ रही है, क्योंकि फिश जो है बाहर कुछ नहीं देखी रहती, उसको क्या लगता है कि सब लोग फिश ही होते हैं, ठीक है, वैसी सोचती है कि सब लोग फिश ही होते हैं। तो वो जब इमेजिन भी करती है ना, सोचती है ना, तो वो ये सोचती है कि कोई फिश होगी बर्ड जो जिसके पंख होंगे, ऐसा सोचती है वो। फिर बर्ड्स आर अमेजिंग क्रीचर्स, बर्ड्स जो है वो बहुत ही अमेजिंग क्रीचर्स होते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे वाले, मतलब बहुत सुंदर से अच्छे, जिसे देख के ना बहुत अचंभा हो, एकदम अच्छा लगे, ऐसे क्रीचर्स होते हैं, ठीक है, ऐसे जीव होते हैं। फिर फिश और पूछने लगती है, वो उससे ना क्या बोलना चाहिए, रुका नहीं जाता, वो बिल्कुल वेट नहीं कर पाती, बोलती और तुमने क्या देखा, एकदम सोचने लगती क्या देखा तुमने। और तो फ्रॉग बोलता है वेल देयर वेयर काउज, बोलता है कि मैंने बहुत सारे काउज देखे, गाय देखी। तो फिश पूछती है काउज ये क्या होते हैं, ऐसे पूछती है। तो फ्रॉग बोलता है यस काउज, हाँ मैंने काउज देखे, दे हैव फोर लेग्स लाइक मी, उनके चार पैर होते हैं मेरी तरह। फ्रॉग बताता है कि मेरे चार, उनके चार पैर होते हैं मेरी तरह। दे इवन हैव हॉर्न्स एंड दे ईट ग्रास एंड कैरी पिंक बैग्स ऑफ मिल्क। हाँ उनके ना सींग भी होते हैं, ऐसे बताता है कि उनके सींग भी होते हैं और उनके में क्या बोलना चाहिए, पिंक कलर का बैग होता है जिसमें वो लोग मिल्क रखते हैं। आप लोग देखे हो ना जो गाय होती है उससे हमें मिल्क मिलता है, तो उनके पिंक कलर के, ऐसे वो बताता है कि उनके पिंक कलर के बैग्स होते हैं जिसमें मिल्क होता है, दूध होता है। फिर एंड पीपल, और हाँ मैंने लोगों को भी देखा, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन, मैंने आदमियों को देखा, औरतों को देखा और बच्चों को भी देखा, ऐसा फ्रॉग बताता है। दे हैव टू लेग्स एंड टू आईज एंड कैन वॉक ऑन लैंड। वो बोलता है कि इंसानों के बारे में वो बताता है कि उनके दो पैर होते हैं और दो आंखें होती हैं और वो जमीन पे चलते हैं, ठीक है। दे वियर फनी थिंग्स ऑन देयर बॉडीज एंड सम इवन वियर थिंग्स ऑन देयर हेड। बोलता है वो लोग ना बहुत ही फनी फनी चीजें पहने रहते हैं, ऐसे वो बताता है। तो देखो फ्रॉग वगैरह जो रहते हैं वो कपड़े नहीं पहनते, हम लोग कपड़े पहनते हैं, तो वो उसे देखता है ना तो उसे लगता है ये लोग क्या पहने हुए हैं ऐसा। तो बोलता है कि वो जो ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान हैं, वो लोग बहुत ही ऐसी ऐसी चीजें पहने रहते हैं जिनको देख के हंसी आ जाएगी। तो
वो बोलता है कि कुछ लोग तो सिर पे भी पहने रहते हैं, आप जानते हो ना, हैट पहनते हैं लोग, कैप पहनते हैं, है ना। और तो वो बोलता है कि लोग ऐसी ऐसी चीजें पहने रहते हैं जिसे देख के हंसी आ जाएगी। फिर इट इज सो वेरी इंटरेस्टिंग आउट देयर, ये सब बहुत ही ना दिलचस्प है बाहर, मतलब जब बाहर जाओगे ना तो आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा, आप सोच पड़ जाओगे अच्छा ये क्या है ये क्या है, ऐसा वो फ्रॉग उसको बताता है। फिर नरेटर वन फिर से क्या बोलता है, फ्रॉग टॉक्ड एंड टॉक्ड अंटिल इट वॉज डार्क इन द पॉन्ड। फ्रॉग बताते जाता है, बात करते जाता है, करते जाता है, तब तक जब तक कि एकदम अंधेरा नहीं हो जाता। वो सुबह आया रहता है, रात तक वो सिर्फ बातें ही करते रहता है, और पॉन्ड में फिर अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है। बट द पिक्चर्स इन फिश माइंड वेयर फुल ऑफ लाइट्स एंड कलरफुल थिंग्स। लेकिन पॉन्ड में तो अंधेरा हो गया, ठीक है वहां पे अंधेरा हो गया, लेकिन जो फिश का जो माइंड था वो अब सोच में डूब गया था, वो एकदम सोच रही थी, एकदम कलरफुल चीजों को सोच रही थी कि अच्छा ये होता है ये होता है, क्योंकि उसने कभी कुछ नहीं देखा था, ठीक है। फिर फ्रॉग बोलता है, वेल इट इज टाइम फॉर मी टू गो टू बेड, गुड नाइट, बोलता है चलो अभी मेरे बेड पे जाने का, सोने का टाइम हो गया, गुड नाइट बोलता है फ्रॉग उसको। फिश बोलती है गुड नाइट माई फ्रेंड, वो भी उसको गुड नाइट बोलती है। फिर क्या होता है, ओ माई हाउ एम आई गोइंग टू स्लीप। अब वो फिश सोचने लगती है, हे भगवान अब मैं कैसे सोऊंगी, ऐसा सोचने लगती है। इट साउंड्स अमेजिंग आउट देयर, ये सब तो सोचने में बहुत ही अच्छा लगता है, बाहर की चीजों को सोचने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा सोचने लगती है। इफ ओनली आई कुड जम्प आउट जम्प अबाउट लाइक माई फ्रेंड फ्रॉग एंड सी दैट वंडरफुल वर्ल्ड, ये सब सोचने में इतना अच्छा लगता है, काश मैं भी बाहर जा पाती और इन सारी अच्छी अच्छी चीजों को देख पाती, फिश ऐसा सोचने लगती है, वो मछली ऐसा सोचने लगती है। फिर ओ माई ओ माई ओ माई बोलती है, फिर सोचने ही लगती, बस काश मैं भी जाती, काश मैं भी जाती, बस मैं जाती, ऐसा सोचती है। फिर नरेटर टू क्या बताते, देखो फिर से नरेटर बता रहे हैं, कहानी बताने वाले। दैट नाइट व्हेन फिश डिड फॉल अस्लीप ही ड्रीम्ड ऑफ वंडरफुल थिंग्स, फ्लाइंग फेदर्ड फिश, काउ फिश विथ हॉर्न्स एंड टू आईज एंड पिंक बैग्स ऑफ मिल्क एंड मेन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन फिश दैट कुड वॉक अपराइट एंड वेयर इंटरेस्टिंग थिंग्स ऑन देयर बॉडीज एंड हैंड। अब उस रात जब फिश जो है फाइनली सो भी गई ना, तो भी उसको सपने में यही चीजें आने लगी। क्या देखती थी वो, तो वो पंख वाली जो कि उड़ती है ऐसी फिश, ठीक है, और क्या बोलना चाहिए, काऊ वाली फिश, गाय फिश सोचती है वो, जिनके हॉर्न्स भी होते हैं और पिंक कलर के बैग्स ऑफ मिल्क होते हैं, उसे सोचती है वो। फिर आदमी फिश, औरत फिश और बच्चे फिश, ऐसा सोचती है, जो कि चलते भी हैं और अपनी अपनी बॉडी पे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पहनते हैं, ये सारी चीजें उसके दिमाग में चलती है और वो सपने में यही देखती है। फिर एंड सो द डेज वेंट बाय, और ऐसे ऐसे दिन बीतते जाते हैं और उसके दिमाग में सिर्फ यही चलते रहता है। फ्रॉग हैड गॉन एंड फिश जस्ट ले देयर ड्रीमिंग अबाउट बर्ड इन फ्लाइट, ग्रेजिंग काउज एंड दोज स्ट्रेंज एनिमल्स ऑल ड्रेस्ड अप दैट हिज फ्रेंड कॉल्ड पीपल। अब धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं, फ्रॉग तो चला जाता है, ठीक है, इधर उधर घूमने के लिए, और उस फिश जो है ना वो सिर्फ वहीं अपने जगह पे रहती है और सिर्फ सपने देखते रहती है कि कैसे वो बर्ड्स जो है उड़ रही हैं, कैसे वो काउज जो है वो चरते हैं ना, गाउज आप जानते हो ग्रेजिंग, तो खाते हैं जिसको क्या बोलना चाहिए, ग्रास खाते हुए, और अजीब अजीब एनिमल्स जिसे लोगों अजीब एनिमल्स जिसे उसका जो दोस्त है वो पीपल कहता है, लोगों को वो अजीब एनिमल्स कहती है जो कि कपड़े पहने रहते हैं, ये सब के बारे में वो सोचते रहती है। फिर वन डे ही फाइनली डिसाइडेड दैट कम वॉट मे ही टू मस्ट सी देम। फिर एक दिन क्या होता है, वो एकदम डिसाइड करती है, वो एकदम सोच लेती है, ठान लेती है कि जो भी हो जाए मैं भी उन चीजों को देखूंगी, उन सबको मैं भी देखूंगी, ऐसा सोचती है। एंड सो विथ अ माइटी वैक ऑफ हिज टेल ही जम्प क्लियर आउट ऑफ द वॉटर ऑन टू द बैंक। और फिर एकदम ना अपने टेल को एकदम बहुत ही फास्ट फास्ट चलाते हुए ऐसे पानी से वो बाहर कूद जाती है, ठीक है, वो तो ऐसे धीरे धीरे पहले आती है, फिर जोर से ऐसे अपने आप को ऐसे हिला, मतलब क्या बोलना चाहिए, पूछ को ऐसे हिलाती है और उसके बाद फिर पानी से बाहर कूद जाती है, फिर रिवर के बैंक पे आ जाती है, उसी पॉन्ड के किनारे पे आ जाती है। फिर फिश बोलती है हियर आई गो बोलती है और फिर कूद जाती है पानी से बाहर।
आई हैव टू सी ऑल दैट माई फ्रेंड फ्रॉग टोल्ड मी, मुझे वो सारी चीजें देखनी है जो मेरे दोस्त फ्रॉग ने, उस मेंढक ने मुझे बताई है। 1 2 3 बोलती है और चपाक से ऐसे बाहर कूद जाती है। ठीक है, फिर ही लैंडेड ऑन द ड्राई वार्म ग्रास एंड देयर ही लाइक गैस्पिंग फॉर एयर अनेबल टू ब्रीद और टू मूव। अब वो जमीन पे तो आ जाती है जो कि बहुत ही सूखी रहती है, ठीक है, और वो जो घास रहती है वो थोड़ी गर्म रहती है, ठीक है, और वो वहां पे जैसे ही बाहर आती है ना, तब उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है क्योंकि फिश जो है वो उसके गिल्स होते हैं, वो पानी में ही सांस ले सकती है, तो वो जैसे ही बाहर आती है ना वो सांस नहीं ले पाती है। फिर अब वो सांस नहीं ले पाती और ना ही इधर से उधर मूव कर पाती है, क्योंकि फिश क्या करती है, पानी में बहुत इजीली ट्रैवल कर सकती है, इधर से उधर जा सकती है, लेकिन जमीन पे नहीं जा सकती। फिर फिश बोलती है गैसपिंग शॉर्ट ऑफ ब्रेथ। अब उसको ना बहुत ही ऐसे सांस लेने के लिए जब हम करते हैं ना ऐसे, वो बहुत ट्राई करती कि कैसे भी करके मैं सांस लूं, बट ले ही नहीं पाती। फिर हेल्प, वो हेल्प भी नहीं बोल पाती ठीक से, तो हेल्प करके ऐसे धीरे से बोलती है, धीरे धीरे फिर बोलती है हेल्प करके। फिर फ्रॉग अचानक से वहां पे आ जाता है। ओ सिली फिश व्हाट हैपेंड, वो बोलती है ओ हो बेवकूफ फिश क्या हुआ, ऐसे बोलता है वो फ्रॉग उसको, मेंढक। फिर हियर वी गो बैक टू द पॉन्ड, 1 2 3। फिर वो क्या करता है, उसको पकड़ता है और फिर उसे वापस पॉन्ड में डाल देता है। 1 2 3 बोलता है और फिर उसे तुरंत पॉन्ड में अंदर डाल देता है। स्टिल अफ्रेड फिश फ्लोटेड अबाउट फॉर अ मिनट, देन ही ब्रेथ डीपली लेटिंग द क्लीन कूल वाटर रन थ्रू हिज गिल्स। हाँ, वो अभी भी बहुत डरी हुई थी, फिश जो है ना वो अभी भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। फिश फ्लोटेड अबाउट फॉर अ मिनट, वो जो फिश थी ना वो करीब करीब ना 1 मिनट के लिए पहले ऐसे इधर उधर तैरते रही। उसके बाद फिर क्या किया, उसने बहुत ही लंबी सांस ली और फिर कूल क्लीन वाटर को अपने अंदर आने दिया, गिल्स से पास होते हुए। फिश की गिल्स होती है ना, तो वो उससे पास होते हुए अपने अंदर आने दिया और फिर थोड़े टाइम बाद उसको अच्छा लगने लगा। पहले तो वो सांस लेने में उसको बहुत दिक्कत हो रही थी, फाइनली थोड़े टाइम बाद उसको अच्छा लगा और उसके बाद फिर वो एकदम वेटलेस हो गई, मतलब अब उसको नॉर्मल हो गई, उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। एंड विथ एन एवर सो स्लाइट मोशन ऑफ द टेल ही कुड मूव टू एंड फ्रो अप एंड डाउन एज बिफोर। और अब क्या था, वो अब नॉर्मल हो गई, तो अब इधर उधर भी जा सकती थी, ऊपर नीचे जितना जहां उसको जाना था सब जगह जा सकती थी। फिर फ्रॉग पूछता है, फिश आर यू ओके, वॉट वर यू डूइंग आउट ऑन लैंड, यू आर अ फिश। फ्रॉग पूछता है कि फिश क्या तुम ठीक हो, तुम लैंड पे क्या कर रही थी, तुम जमीन पे क्या कर रही थी, तुम एक फिश हो, ऐसे बोलता है उसको। तो नरेटर बोलता है फिश साइज्ड एंड स्माइल, फिश जो है ना चैन की सांस लेती है और उसके बाद फिर हंसती है, ठीक है, स्माइल करती है। फिर फ्रॉग बोलता है फिश डिड यू हियर मी, फिर से पूछता है तुम मुझे सुन पा रही हो, वो क्योंकि कुछ बोलती नहीं है ना, तो फ्रॉग उसे दोबारा बोलता है तुम मुझे सुन पा रही हो, तो फिश बोलती है यस यस यू आर राइट फ्रॉग माई फ्रेंड। तो बोलती फिश बोलती है कि हाँ, तुम एकदम सही बोल रहे हो फ्रॉग मेरे फ्रेंड। फिश इज फिश, आई विल लिव इन द वॉटर एंड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ माई वर्ल्ड। फिश जो है आखिर फिश ही होती है और मैं यहीं पानी में रहूंगी और अपने दुनिया की ही ब्यूटी को, अपने दुनिया में जो खूबसूरती है उसे ही देखूंगी, बाहर की चीजों को देख के बहुत ज्यादा नहीं सोचूंगी, क्योंकि उसे समझ में आ गया कि वो फिश है, वो बाहर नहीं जा सकती है। ठीक है, तो ये थी हमारी स्टोरी। अब आप आ जाओ ये वाले पेज पे, यहाँ का हम ब्राउन बॉक्स फिल कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट डू बर्ड्स यूज देयर विंग्स फॉर। बर्ड्स जो है वो अपना जो विंग्स है, पंख है, उसको क्या के लिए यूज करते हैं, वॉर्म्थ या फ्लाइट, गर्मी के लिए यूज करते हैं या उड़ने के लिए यूज करते हैं। तो इसका आंसर है फ्लाइट, उड़ने के लिए यूज करते हैं। तो जल्दी से आप फिल करेंगे यहाँ पे फ्लाइट। फिर अब यहाँ का ये वाले पेज पे आ जाओ, यहाँ पे भी एक ब्राउन बॉक्स है। ठीक है, दिख रहा है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे है वेयर डिड फिश फील वेटलेस। फिश को कहाँ पे एकदम वेटलेस लगा, मतलब अब तो एकदम नॉर्मल हो गई मैं, एकदम वेट अब है ही नहीं, पहले उसको भारी लग रहा था बहुत ज्यादा, पानी से बाहर थी तो कहाँ लगा, इन द वॉटर या ऑन लैंड,
इन द वॉटर, जब वो पानी में वापस आ गई तब उसे वेटलेस लगा। अब आ जाते हैं हमारे ग्लॉसरी पे, ठीक है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी मतलब अनयूजुअल, अमेजिंग। एक्स्ट्रॉर्डिनरी मतलब ना जो एकदम सामान्य तौर पे देखने को नहीं मिलता, उसे हम एक्स्ट्रॉर्डिनरी कहते हैं। मतलब एकदम अमेजिंग सा, एकदम नया टाइप का जो होता है ना, जो आपको देखने एकदम चौंका दे, उसे हम एक्स्ट्रॉर्डिनरी कहते हैं। अमेजिंग तो एकदम वंडरफुल, मार्वलस, बहुत ही अच्छा, वही मतलब होता है। फिर देखो एंटोनिम्स दिया हुआ है ये वाले पेज पे, ठीक है। ये है फनी। फनी मतलब बहुत ही मजाकिया वाला, जो फनी जिसे देख के आपको मजाक लगे। तो सीरियस जो एकदम क्या बोलना चाहिए, फनी मतलब जो हंसा दे, तो सीरियस मतलब जो ना हंसा, एकदम आप सीरियस खड़े रहो। पहले आप हंसते रहोगे फिर सीरियस हो जाएगा एकदम शांत से, ठीक है। इंटरेस्टिंग जिसे देख के ना आपको मजा आए, ठीक है, इंटरेस्ट आपका जग जाए आपको, लेकिन हाँ मैं और इसे जैसे आप टीवी देखते हो या कार्टून देखते हो तो आपको बहुत इंटरेस्ट आता है ना, मजा आती है। और बोरिंग तो आप में से कई लोग जैसे पढ़ाई करते हो तो आपको बोर लगता होगा, है ना। तो इंटरेस्टिंग, बोरिंग, बट पढ़ाई को भी इंटरेस्ट से करना चाहिए। फिर डार्क, तो मतलब जो ना अंधेरा होता है उसे हम डार्क कहते हैं, और लाइट मतलब जो रोशनी है, ठीक है। नाइट रात, डे दिन, कूल तो ठंडा, वार्म तो थोड़ा गर्म। अब देखो इधर वाले पेज पे आ जाओ, यहाँ पे भी ग्लॉसरी दिया हुआ है। वेटलेस हैविंग नो वेट, मतलब जिसमें कोई वेट नहीं होता है, ठीक है, उसे हम वेटलेस कहते हैं। तो जिसका कोई भार नहीं होता, जो भारी नहीं होता, वेटलेस। साई टू ड्रीप प्लीज डीपली विथ अ नॉइस। साई मतलब ना, मतलब आप जोर से जब सांस लेते हो साउंड आता है जिसमें, उसे हम साई बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉम्प्रिहेंशन है, पहला क्वेश्चन आज हम फिल करेंगे। चूज द करेक्ट आंसर, आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो अब मैं सिर अप कर देती हूँ। आपको सही आंसर चूज करना है। पहला है, एट द एज ऑफ द वुड्स देयर वॉज अ ब्लैंक एंड देयर अ मिनो एंड अ ब्लैंक स्वैम अमोंग द वीड्स। तो वुड्स के किनारे, जंगल के किनारे क्या था, लेक था या पॉन्ड था? तो ए में होगा देयर वॉज अ पॉन्ड, एक तालाब था, झील थोड़े ना थी, तालाब था। फिर दूसरा ब्लैंक क्या है, देयर अ मिनो एंड अ ब्लैंक फ्रॉग स्वैम अमोंग द वीड्स। तो वहां पे एक मिनो, एक छोटे फिश, और एक फ्रॉग या टैडपोल, टैडपोल वो पहले फ्रॉग तो बना नहीं था, तो एक टैडपोल वहां पे वीड्स के आसपास तैरते थे। बी, द टैडपोल ग्रू इन टू अ ब्लैंक। जो टैडपोल था वो क्या में चेंज हो गया, किसमें बढ़ के क्या बन गया, फिश बना या फ्रॉग? फ्रॉग बना। तो द टैडपोल ग्रू इन टू अ फ्रॉग। सी, अ टैडपोल हैज प्लैंक लेग्स, सॉरी अ फ्रॉग हैज प्लैंक लेग्स। फ्रॉग के कितने लेग होते हैं, थ्री या फोर? फोर लेग्स होते हैं, ठीक है। तो अ फ्रॉग हैज फोर लेग्स। डी, बर्ड्स हैव ब्लैंक लेग्स। बर्ड्स के कितने लेग्स होते हैं, टू लेग्स या नो लेग्स? दो पैर होते हैं या एक भी पैर नहीं होते? तो टू लेग्स, बर्ड्स हैव टू लेग्स। एंड लास्ट ई, फिश इमेजिन बर्ड्स एज लार्ज फेदर्ड प्लैंक। फिश ने बर्ड्स को कैसे इमेजिन किया था, बड़ी बड़ी पंखों वाली बर्ड्स इमेजिन किया था या फिश इमेजिन किया था? फिश इमेजिन किया था, क्योंकि फिश को क्या लगता था, सभी क्या होती हैं, फिश होती हैं। इसलिए उसने बर्ड्स को, चिड़िया को कैसे सोचा था कि बड़ी बड़ी पंखों वाली मछली होगी, तो फिश, ठीक है। आप इसे जल्दी से लिख लो।
अब देखो, आप सभी इस पे आ जाओ, वोकैबुलरी एंड प्रोनंसिएशन पे आ जाओ। ठीक है, दिख रहा है ये वाला पेज, ये दिख रहा है? यहाँ पे आओ जल्दी से, हम इसे यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आप अपनी अपनी बुक पे देखते जाना, मैं लाइन बाय लाइन ऐसे पढ़ते जाऊंगी। ठीक है, ऐसे पढ़ूंगी, पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर वैसे ही नीचे ये 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 और ये। तो आप ध्यान से सुनेंगे। चलो पहले सी वाले वर्ड्स, डायरेक्ट डायरेक्ट, फैक्ट फैक्ट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट। अब यहाँ एफ टी वाले वर्ड्स, ठीक है, सी टी वाले हमने पढ़ लिए, एफ टी वाले वर्ड्स, क्राफ्ट क्राफ्ट, गिफ्ट गिफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट, लिफ्ट लिफ्ट, राफ्ट राफ्ट, सॉफ्ट सॉफ्ट। ठीक है, अब एल के वाले वर्ड्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे, मिल्क मिल्क, सिल्क सिल्क, एल्क एल्क, टॉक टॉक, वॉक वॉक, योक योक। ठीक है, यहाँ पे देखो एल जो है वो साइलेंट है। ठीक है, टॉक वॉक योक, ये साइलेंट है। फिर एल पी वाले वर्ड्स, हेल्प हेल्प, गल्प गल्प, पल्प पल्प, स्कैल्प स्कैल्प। अब एमपी वाले वर्ड्स, ठीक है, यहाँ पे देखो एमपी वाले वर्ड्स हैं, कैंप कैंप, डैम्प डैम्प, डंप डंप, जंप जंप, लैंप लैंप, पंप पंप, स्टैंप स्टैंप। ठीक है, एनडी वाले वर्ड्स, एनडी वाले, सो एंड एंड, बैंड बैंड, ब्लेंड ब्लेंड, एंड एंड, फाइंड फाइंड, काइंड kind, land, land, stand, stand। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं एंटी वाले वर्ड्स। ठीक है, एंटी, सो डिफरेंट डिफरेंट, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, पेरेंट पेरेंट, प्लांट प्लांट, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट, student student, want want, went went। फिर पीटी वाले वर्ड्स, ठीक है, ये रहे पीटी वाले वर्ड्स, crept crept, slept slept, wept wept, swept swept, except except, kept kept। फिर एस के वाले वर्ड्स, ठीक है, ask ask, desk desk, disk disk, dusk dusk, husk husk, mask mask, risk रिस्क, टास्क टास्क। फिर एसपी वाले वर्ड्स देखो, स्पीड स्पीड, क्रिस्प क्रिस्प, स्पीच स्पीच, स्पीक स्पीक, स्पिन स्पिन, स्पिट स्पिट, स्पेल स्पेल,
स्पाइडर, स्पाइडर। एस टी वाले वर्ड्स, बेस्ट, बेस्ट। फास्ट, फास्ट। जस्ट, जस्ट। लास्ट, लास्ट। लॉस्ट, लॉस्ट। मस्ट, मस्ट। रेस्ट, रेस्ट। ट्रस्ट, ट्रस्ट। ठीक है, सो ये थे हमारे वर्ड्स जो हमने अभी अभी पढ़े हैं। आपको इन सब को अच्छे से बोलना है, हर एक वर्ड को दो दो बार, और रिकॉर्ड करना है और मुझे भेजना है। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।